वेलकम टू राइट इन्वेस्टिंग राइट इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है लेट्स इन्वेस्टिंग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द शेयर कंपनी नेम इज फिलोटेक्स केमिकल लिमिटेड इस कंपनी को आप एफ के नाम से भी जानते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का एनालिसिस करने का रीज़न यह है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा पैनिक और का माहौल बना हुआ है शेयर जो है अराउंड एट के आसपास आज जो है नीचे की तरफ गिरा है और शेयर जो है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है तो ये वीडियो में हम जो है पर्टिकुलर कंपनी का थ्री सिक्सटी व्यू एनालिसिस करेंगे रीजन जानेंगे वाइज शेयर जो है नीचे की तरफ जा रहा है कंटिन्यूसली और इस शेयर में कौन से लेवल होंगे जिसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है कि अभी इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना तो इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने जो है वीडियो को कई पार्ट में डिवाइड किया है फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्पीक अबाउट कंपनीज फंडामेंटल दैन कंपनी के फाइनेंशियल क्वार्टर्स के रिजल्ट कैसे चल रहे हैं रिजल्ट कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पुअर हैं स्ट्रॉन्ग है और उसका क्या इम्पैक्ट शेयर प्राइस में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का कैसे चल रहा है पेयर के साथ कंपैरिजन हाउ कंपनी इज स्टैंडिंग इन इन कंपैरिजन टू देयर शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरफ से है कोई कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ चेंजेस हुए हैं कोई एडिशनल बाइंग हुई है या फिर कोई किसी ने पर्टिकुलर शेयर्स को सेल किया है उनकी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रेशियो विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैरामीटर फॉर अ कंपनी कंसोल्ट नेट प्रॉफिट देन वील मूव टू द टेक्निकल एनालिसिस इसमें हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे मूविंग एवरेज आर एस आई और फाइनली वी विल डू द शॉर्ट एनालिसिस ऑफ द कंपनी तो इस वीडियो के बाद आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं और करनी चाहिए तो किस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम द कंपनीज़ फंडामेंटल मार्केट कैप थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है कंपनी का कुछ पैरामीटर मैंने हाईलाइट किए हैं रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की काफ़ी अच्छी है थर्टी वन पॉइंट वन परसेंट के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की काफ़ी अच्छी है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर के आसपास डेट टू इक्विटी जीरो है कंपनी पे बहुत कम डेट है अराउंड नाइनटीन uh, जो लैख का जो है कंपनी के पास डेट है एज ऑफ नाउ और कंपनी इस डेट को जो है धीरे धीरे करके रिड्यूस कर रही है विच इज़ अ गुड साइन फॉर अ कंपनी प्रोमोटर होल्डिंग सिक्सटी फाइव परसेंट है ई पी एस जो है सिक्स रुपीज जी टी पैसे के आसपास चल रही है और एज ऑफ नाउ कंपनी की कोई भी शेयर प्राइज नहीं है शेयर ने जो बनाया था 409 का जो है हाई बनाया था और लो बनाया था 110 का जो रिजर्व हैं ये 277 करोड़ के रिजर्व हैं और डेट जो है 19 लाख का कंपनी के पास डेट है पॉइंट करोड़ जो है 19 लाख और अगर स्टॉक पी की बात करूँ दिस इज़ अ कंसर्न स्टॉक इज हाईली ओवर वैल्यूड थर्टी एट पर चल रहा है स्टॉक पी वीर इंडस्ट्री पी इज ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट एंड सेकेंड पैरामीटर विच इज़ बैकिंग एट एट्स अ पी ई जी रेशो पी ई जी रेशो भी बता रहा है ये टू पॉइंट फाइव थ्री के आस पास है हाईली ओवर वैल्यूड एज अपना ट्रॉस की स्कोर सेवन के आस है चलिए अब जानते हैं कि वॉट इज द रीज़न बिहाइंड दिस फॉल देखिए ये शेयर की अगर आप नेचर को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल पर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलीटाइल है लास्ट वन ईयर में शेयर ने एटी सेवन पॉइंट एट सिक्स परसेंट के जो है मैसेव रिटर्न दिए हैं तो डेफिनेटली शेयर में जो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी साथ साथ जो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं दोज़ आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री जिस हिसाब से मार्केट ने एक्सपेक्ट की थी उस हिसाब से कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट नहीं दिए तो एक रीज़न बन गया शेयर में सेलिंग का और शेयर जो है कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है और आज भी जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी शेयर जो है एट के आसपास नीचे चल रहा है अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी की जो सेल्स है वो डिक्रीज हुई है जून ट्वेंटी में जो सेल थी 136 करोड़ के आसपास से जो सितंबर क्वार्टर में 134 करोड़ के आसपास हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्वेंटी सिक्स करोड़ से डिपोज ट्वेंटी फाइव करोड़ के आसपास हुआ है वेर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टैंडिंग है नाइन्टीन परसेंट तो ये नाइन्टीन परसेंट के आसपास ही है तो दिस इज दिस इज़ ओके अब अगर हम आ, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफ़िट जो है इंक्रीज हुआ है ट्वेंटी करोड़ से ट्वेंटी वन करोड़ के आसपास और ई पी एच जो है वन रुपीज़ सेवेंटी नाइन पैसे से बढ़ के वन हंड्रेड एट्टी सिक्स के आसपास हुई है तो रिज़ल्ट में जो है एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी तो रिज़ल्ट जो है मार्केट में एज ऑन एक्सपेक्टेड नहीं आया इसके बाद से जो है कंट्रेट्री शेयर जो नीचे की तरफ जा रहा है अगर मैं बात करूँ अगर आप स्टॉक को समझ रहे हैं दिस इज़ अ बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल शेयर और अगर इसका इस, ये दिस कम इंटू द मिड कैप कैटेगरी और जो स्टॉक की जो वॉलेटिलिटी है निफ्टी के कंपेरिजन में थ्री पॉइंट जीरो एट परसेंट के आसपास परसे है तो हाईली वॉलेटाइल जो है हाई रिस्क वाला शेयर है रिस्क एंड रिवॉर्ड जब भी ऊपर की तरफ जाता है तो कंटेनसली ऊपर की तरफ जाता है नीचे जाने लगता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है शेयर में शार्प फॉल आता है दैट्स वाई सर इसके शेयर अब ज़रा एयरली डेटा देख लेते हैं जो सेल्स है दैट इज ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड मार्च नाइनटीन में जो सेल्स थी वन करोड़ के आसपास थी जो ट्वेंटी में बढ़ के थ्री करोड़ के आसपास हुई है तो सेल्स पैरामीटर आर सेटिसफैक्ट्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19 में 34 करोड़ के आसपास था जो ट्वेंटी में थर्टी फाइव करोड़ हुआ है एंड ट्वेंटी वन में फोर्टी वन एंड ट्वेंटी वन के बाद मैसेज जंप आया ट्वेंटी टू में सेवेंटी वन करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट कंपनी का ट्वेंटी फोर करोड़ से बढ़कर फिफ्टी सेवन करोड़ के आसपास हो चुका है दिस इज़ ऑल्सो गुड ई पी जो है टू रुपीज़ टू पैसे से बढ़कर ट्वेंटी वन में थ्री रुपीज़ एटी फाइव पैसे के आसपास हुई है और ट्वेंटी टू में बढ़ फोर रुपीज़ नाइन्टी एट पैसे के आसपास हो गई है रिजर्व कंपनी कंटिन्यूसली बढ़ा रही है मार्च नाइनटीन में जो कंपनी के पास रिजर्व थे वन हंड्रेड थर्टी सेवन करोड़ के आसपास के रिजर्व थे जो ट्वेंटी टू में टू हंड्रेड फोर्टी करोड़ के आसपास हुए हैं बड़े हैं और सेप्टेम्बर के क्वार्टर में जो रिजल्ट आया इसमें टू हंड्रेड सेवेंटी सेवन करोड़ के आसपास पहुंचने रिजर्व कंपनी अपनी बोरिंग को रिड्यूस कर रही है नाइन्टीन में जो कंपनी के पास टू करोड़ की बोरिंग थी ट्वेंटी टू में ये बी अगेन टू करोड़ के आसपास हुई थी एंड देन अभी सेप्टेम्बर के क्वार्टर में जो रिजल्ट आया दिस इज अराउंड सिक्सटीन ये ये नाइनटीन के करोड़ के आसपास चल अभी नाइनटीन लैख के आसपास चल रही नॉट करोड़ तो कंपनी ने अपने बॉरिंग को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया है विच इज़ अ गुड साइन फॉर अ कंपनी अब इसका एडवांटेज कंपनी को ये होगा कि कंपनी को अब जो इंटरेस्ट का पैसा है भी पैसा देना होता है वो कंपनी नहीं देगी उस कंपनी को अपने पैसे को जो है कंपनी अपने ग्रोथ के लिए या फिर डिविडेंड देने में यूटिलाइज कर सकती है रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय कंपनी की इंक्रीजिंग ट्रेंड में तो so, नाइन्टीन में जो है ट्वेंटी थ्री परसेंट के आसपास थी ट्वेंटी में डिपो के ट्वेंटी वन परसेंट के आसपास हुई है ट्वेंटी वन में ये ट्वेंटी नाइन परसेंट के आसपास हुई है विच इज़ क्वाइट गुड और ट्वेंटी टू में ये थर्टी वन परसेंट के आसपास हुई है आर ओ सी इज़ अ कंपनी नो डाउट काफ़ी अच्छी है अब ज़रा फीयर के साथ कंपेरिजन कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर कंपनी के जो है स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन से जो है वीक है सबसे पहला पी इज राइट नाउ हाई फोर्टी वन के आसपास चल रहा है पी इन कंपेरिजन टू देयर पेयर भी काफ़ी हाई चल रहा है बट दिस इज ऑल्सो ओवर वैल्यूड शेयर उसके पीछे रिटर्न ये है वन ईयर में नाइन्टी टू परसेंट का जो है कंपनी ने जो है रिटर्न दिया है विच इज़ क्वेट गुड अपने पेयर्स में इसने सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न दिया है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्रॉड थर्टी वन परसेंट के आसपास चल रहा है इन कंपेरिजन टू देयर इट्स वेरी हाई काफ़ी अच्छा आर ओ सी है एंड आर ओ इज ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो गुड ये सेकंड नंबर पे, पे है फर्स्ट नंबर पे सोलर इंडस्ट्री है देन सेकंड नंबर पे जो है ये है तो दिस इज आल्सो गुड तो कंपनी के पैरामीटर फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं अब जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर मैंने वन ईयर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा जो हाईलाइट किया है प्रोमोटर uh, ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है सेप्टेम्बर ट्वेंटी में जो प्रोमोटर की होल्डिंग थी सिक्सटी परसेंट के आसपास थी जो सेप्टेम्बर ट्वेंटी टू में बढ़कर सिक्सटी फोर वन नाइन सेवन परसेंट के, के आसपास हुई है एफ ने अपनी होल्डिंग को बीच में रिड्यूस किया था फिर थोड़ा सा और बढ़ाया एफ की होल्डिंग ट्वेंटी वन में वन पॉइंट फोर एट परसेंट के आसपास थी जो सितंबर ट्वेंटी टू में वन पॉइंट जीरो टू परसेंट के आसपास हुई है डी आईज ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है सिक्स पॉइंट वन फोर परसेंट से फोर पॉइंट जीरो वन परसेंट के आसपास और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव फाइव परसेंट से ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट के आसपास म्यूचुअल फंड की होल्डिंग फोर परसेंट के आसपास है एफआईज की होल्डिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग एज ऑफ नाउ ज़ीरो है कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का डाटा देख लेते हैं कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है और लास्ट थ्री क्वार्टर से कंसिस्टेंटली कंपनी जो है प्रॉफिट दे रही है मार्च ट्वेंटी टू में जो कंपनी का प्रॉफिट था टेन पॉइंट एट टू करोड़ के आसपास था जून ट्वेंट के क्वार्टर में ये इलेवन पॉइंट फोर फोर करोड़ के आसपास हुआ और सप्टेम्बर के क्वार्टर में है एलैन पॉइंट नाइन सेवन के आसपास हुआ है तो दिस इज़ ऑन अ इंक्रीजिंग ट्रेंड अगर ये आगे के क्वार्टर में भी इंक्रीज होता है डेफिनेटली दिस विल ब्रिंग इम्पैक्ट इन इन द शेयर प्राइस अब देखिए जैसे मैं बताया शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है अब इस टाइम पर जो अगर चार्ट में मैं बात करूँ तो चार्ट में जो है ये अभी एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है शेयर और अगर आप इसका ट्वेंटी डे मूविंग एवरेज देखें फिफ्टी डे मूविंग एवरेज देखे हंड्रेड डे मूविंग एवरेज देखे टू हंड्रेड डे मूविंग एवरेज शेयर अपने सारे के सारे मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ चल रहा है तो शेयर अभी काफ़ी ज़्यादा वीक है दो तो आर एस आई जो है मिड रेंज सॉरी आर एस आई जो है इसका ओवरसोल जोन में आ गया नॉट इन द मिड रेंज ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन के आसपास चल रहा है अब आपको क्या करना है इसमें एक सॉलिड जो है सपोर्ट है टू हंड्रेड फोर्टी नाइन का इससे पहले आपको इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको ये देखना है कहीं ब्रेक होता है तो यूनो नो शेयर जो है और नीचे भी जा सकता है दो द कंपनी गुड बट शेयर जो है मैंने बताया ना काफ़ी ज़्यादा वॉलीटाइल है अगर एक तरफ नीचे की डायरेक्शन पकड़ता है तो काफ़ी नीचे की तरफ जाता है तो आपको इसमें कौन से लेवल में इन्वेस्टमेंट करनी है अभी तो आपको टू हंड्रेड फोर्टी नाइन का लेवल देखना है जब आप अगर शेयर ऊपर की तरफ पॉजिटिव होना शुरू हो गया तो आपको जो है टू हंड्रेड सिक्सटी टू का पहला लेवल देखना है एंड देन थ्री हंड्रेड सिक्स का आपको जो है सेकेंड लेवल देखना है थ्री हंड्रेड सिक्स के लेवल से आप इस शेयर में जो है बाइंग कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे खासा रिटर्न जनरेट हो और आपका रिस्क जो है मिनिमाइज हो चलिए अब कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं कंपनी में जो स्ट्रेंथ है फिफ्टीन है वीकनेसेस फाइव है अपॉर्चुनिटी फोर और थर्ड जो है वन है कंपनी की जो ई पी एस की ग्रोथ है दैट इज़ कंसिस्टेंट अच्छी चल रही है क्वार्टरली रिजल्ट जो है कंपनी के जो है नहीं है बट सेल्स जो है गिरी है कंपनी की बट नेट प्रॉफिट में जो है इंक्रीज है और कंपनी uh, जो है अपनी आर ओ सी को कंटिन्यूसली लास्ट टू ईयर से इंप्रूव कर रही है विच इज़ अ गुड साइन शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है वीकनेस क्या है नेगेटिव ब्रेकआउट है अपना एस टू का सपोर्ट भी तोड़ चुका है म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है लास्ट क्वार्टर में और शेयर जो है ट्वेंटी परसेंट नीचे आ गया अपने लास्ट वन मंथ में डेफिनेटली शेयर ने नीचे आना था क्योंकि शेयर ने रैली भी ली है तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम तो जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है नीचे जाने के बाद फिर दोबारा से ऊपर आ जाती है तो नथिंग टू वरी बट आपको अगर अच्छे खासा रिटर्न जनरेट करना है कंपनी नो डाउट गुड बट आपकी जो एंट्री पॉइंट है दैट शुड बी गुड टू जनरेट अ गुड रिटर्न तो इसके साथ मैं एनालिसिस कंप्लीट करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम अदर शेयर और सम अदर वेल्यूबल इंफॉर्मेशन बट बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र थैंक यू